अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि अपन ने अभी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन पढ़ा था, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, डिजिट पे बेस्ड है। द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। यानी कि अपने पास कोई टू डिजिट का नंबर है और उसके दोनों डिजिट यूनिट प्लेस पे और टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम अपने पास कितना है, 9 है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। यानी कि जो अपने पास नंबर है उस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। यानी कि अपन उसके यूनिट और टेंथ प्लेस के डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसके ट्वाइस इक्वल होगा। फाइंड द नंबर, अपने को नंबर फाइंड आउट करना है। तो एक तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि जैसे अपने पास कोई नंबर है 35, तो अपन 35 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 10 + 5 ऐसे। तो यहाँ पे अपने पास 5 तो क्या है, यूनिट प्लेस का डिजिट है और 3 अपने पास क्या है, टेंस प्लेस का डिजिट है। तो अपने पास उस नंबर को ऑब्टेन करने के लिए टेंस प्लेस के डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट प्लेस के डिजिट को यूनिट से मल्टीप्लाई या 1 से मल्टीप्लाई, या फिर अपने पास कोई नंबर होता है जैसे कि 3, 6, 7 होता, तो अपन इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे अपने पास ये यूनिट डिजिट, ये टेंस डिजिट, ये अपने पास हंड्रेड्स डिजिट। ओके, तो अपने पास 3 × 100 डिजिट्स प्लस 6 × 10 + 7। ओके, तो इस तरीके से अपने पास कोई भी नंबर होता है उसको अपन ओपन कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई नंबर है जिसका यूनिट डिजिट अपन क्या कर लेते हैं, अपन ने तो टू डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है, तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज एक्स एंड टेंथ डिजिट इज वाई। तो अपने पास नंबर क्या हो जाएगा, जैसे अपने पास यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 और टेंथ डिजिट 3 है, तो अपने पास नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 3 × 10 + 5। यानी कि टेंथ डिजिट को अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास देन ओरिजिनल नंबर विल बी ये तो अपने पास यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट है, अपने पास नंबर क्या हो जाएगा, नंबर अपने पास टेंथ डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10y + x, ये अपने पास आ जाएगा। और यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है, पहली कंडीशन द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। यानी कि अपने को यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट का सम कितना दे रखा है, अपने को 9 दे रखा है, एंड x + y = 9, ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या बोली है, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, यानी कि अपने पास ओरिजिनल नंबर क्या आया 10y + x, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो अपने पास जैसे कि 35 था, अब इसका ऑर्डर अपन रिवर्स कर देते हैं तो अपने पास कितना बन जाएगा, ये 53, वो किसके इक्वल होगा, 5 × 10 + 3 के इक्वल। यानी कि अपने पास यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। नाउ बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स तो अपने पास ओरिजिनल नंबर अपने पास क्या बन जाएगा, जैसे 35 था तो अपने पास नंबर क्या बन गया, 53। तो 5 × 10 जो अपने पास टेंथ डिजिट था वो क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई और प्लस यूनिट डिजिट। तो अपने पास यूनिट डिजिट कौन बन गया, y, और टेंथ डिजिट कौन बन गया, x। तो अपने पास नंबर क्या बन जाएगा, बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर विल बी कितना हो जाएगा अपने पास, यानी कि अपने पास टेंथ डिजिट थी वो यूनिट डिजिट बन जाएगी और यूनिट डिजिट की वो टेंथ प्लेस पे आ जाएगी, तो 10x + 1।
कंडीशन क्या दे रखी है, आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, यानी कि जो अपने पास ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, यानी कि जो अपने पास ऑर्डर इनका रिवर्स करने से जो नंबर आया है उसका 2 टाइम्स, यानी कि अपने पास 9 टाइम्स टेन वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई तो अपने पास क्या जाएगा 90y प्लस 9y इक्वल टू 20x प्लस 2y। distance upon speed।
आप देखें, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, कवर्ड बाय ट्रेन इज कितना डी किलोमीटर, एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इस u किलोमीटर पर आवर, पर आवर। तो अपने पास आप इसी u स्पीड से, u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से d किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लेगा, तो अपने पास क्या आएगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर डिस्टेंस बी विल बी, तो अपने पास टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम अपने पास कितना आ जाएगा, हाँ डिस्टेंस, डिस्टेंस अपने पास बी अपॉन किलोमीटर पर आवर यू स्पीड, बी अपॉन यू, ये अपने पास अपन बोल देते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आपने क्या कंडीशन दे रखी है, इफ क्या होगी, ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी ज्यादा होती तो उसको कितना कम टाइम लगता, 2 घंटे, ठीक है। नाउ स्पीड, नाउ स्पीड, अगर आपके पास ट्रेन की स्पीड कितनी होती, 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो अपने पास ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, यू प्लस 10। नाउ इफ स्पीड विल बी 10 किलोमीटर पर आवर मोर, तो अपने पास देन स्पीड कितनी हो जाएगी, अपने पास यू प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। अब अपने पास टाइम कितना लगेगा, जो यूजुअल जो टाइम लग रहा था उससे कितना, 2 घंटे अपने को कम लगेगी, डिस्टेंस अपनी वही रहेगी, यानी कि यही डिस्टेंस अपने पास यू किलोमीटर से, यू किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करती है, तो अपने को टाइम लगता है डी अपॉन यू, यानी कि टी। अब अगर यही स्पीड यू प्लस 10 किलोमीटर पर आवर होती तो इसी डिस्टेंस डी को कवर करने में अपने को 2 घंटे कम लगते हैं, देन डी टाइम कितना लगेगा अपने पास, 2 आवर्स, तब डी माइनस 2 equal to d upon u plus 10, okay, यह अपने पास इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड क्या हो जाएगी, इफ द ट्रेन वाज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर अपने पास ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से कम होती तो अपने को 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। इफ स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन स्पीड, स्पीड कितनी हो जाती है अपने पास, u माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगता है देन, टाइम, टाइम अपने को कितना टाइम लगता, t प्लस 3 आवर्स, क्योंकि जो यूजुअल टाइम है उससे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, देन टाइम टी प्लस 3 इक्वल टू डी अपॉन यू माइनस 10, ये अपने पास इक्वेशन नंबर। ओके, अब अपन इन इक्वेशन की हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब अपने पास इक्वेशन फर्स्ट कितनी है, t equal to d upon u, t equal to d upon u, तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं, d equal to ut, d equal to ut, ये अपने पास आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको अपन इक्वेशन नंबर फोर्थ बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। और सेकंड इक्वेशन अपने पास कितनी आएगी, t minus 2 equal to d upon u plus 10, अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, t माइनस 2 इंटू यू प्लस
एन इक्वल टू डी, अब अपन इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूटी यूटी प्लस टेन टी, यूटी प्लस टेन टी माइनस टू यू माइनस 20 इक्वल टू, और डी की वैल्यू अपने पास कितनी है, यूटी यू यूटी रख देते हैं, तो यूटी से यूटी कैंसिल, अपने पास कितना आ जाएगा ये, और साथ में इस इक्वेशन में अपन 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 10t माइनस 2u माइनस 20 इक्वल टू 0, और साथ में 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास इक्वेशन कितनी आ जाएगी, 5t माइनस u माइनस 10 इक्वल टू 0, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 5th, ओके ये अपने पास इक्वेशन नंबर 5th हो गया। अब देखें इक्वेशन नंबर 3rd से आपके पास कितना आया है, t प्लस 3 इक्वल टू d अपॉन u माइनस 10, t माइनस 3 इक्वल टू d अपॉन u माइनस 10 t प्लस 3, ओके आप अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, t प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई से u माइनस 10 इक्वल टू d, तो आपके पास ut माइनस 10t प्लस 3u माइनस 30 इक्वल टू d की वैल्यू अपन क्या रख देते हैं, ut 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 से अपने पास ut कैंसिल, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस 10t माइनस 10t प्लस 3u माइनस 30 इक्वल टू 0, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 6। अब अपने पास दोनों ये लीनियर इक्वेशन आ गए, 5t माइनस u माइनस 10 इक्वल टू 0 और माइनस 10t प्लस 3u माइनस 30 इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, t और u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, t और u की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अपन d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें अपन इंटरेस्टेड हैं, यानी कि अपने को डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी है, तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से अपन अपने लिए सुटेबल क्या रहेगा, इलिमिनेशन मेथड, यानी कि अपन इस इक्वेशन को में अगर अपन t को इलिमिनेट करें इन दोनों इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आ जाएगा अपने पास, 10t माइनस 2u माइनस 20 इक्वल टू 0, तो अपने पास अगर अपन इन दोनों को ऐड कर दें तो अपने पास कितना आ गया, ये कैंसिल, 3u माइनस 2u बिना u और माइनस 50 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 50, तो अपने पास स्पीड कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर आवर, ओके अब u की वैल्यू अपन इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, t की, तो 5t इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, इस साइड जाके प्लस का और प्लस का 10, तो t अपने पास कितना आ जाएगा, 50 प्लस 10 यानी कि 60, और t की वैल्यू अपने पास 60 अपॉन 5 यानी कि 12 आ जाएगा, 12, तो अपने पास t कितना आ जाएगा, 12 आवर, ओके और अपने की किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, तो अपने डिस्टेंस कितने आ जाएगी, डिस्टेंस d इक्वल टू u इंटू t, तो u की वैल्यू अपने पास 50 किलोमीटर पर आवर और t अपने पास 12, तो अपने पास d इक्वल टू u इंटू t, तो 50 इंटू 12 इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, 600 किलोमीटर, तो अपने पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 600 किलोमीटर, ओके एग्जाम्पल।